दुनिया भर में ये मान्यता घर करती जा रही है कि आने वाली 21 अगस्त की तारीख जिस दिन एक सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, ये एक संकेत है कि प्लैनेट एक्स या निबिरु इस सितंबर में धरती से टकराने जा रहा है। निबिरु, जिसे प्लैनेट एक्स या सूर्यमंडल का दसवां ग्रह भी कहा जाता है, उसका जिक्र 1976 में आता है जब सिटचिन नाम के एक लेखक ने ये दावा किया कि पुराने समय की दो सभ्यताएं बेबीलोनियंस और सुमेरियंस जानते थे कि निबिरु सूर्य के आसपास हर 3600 सालों में एक चक्कर लगाता है। यानी धरती के पास ये ग्रह पिछली बार 160 बीसी में रहा होगा। साल दर साल निबिरु का धरती से टकराने के अनुमान लगाए जाते रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब निबिरु धरती के पास आने लगेगा, तब धरती पर हर तरह के तूफान, भूकंप और सुनामी जैसे प्रलय आ जाएंगे। ऐसी कितने अनुमान लगाए जाते रहे हैं और आज भी लगाए जा रहे हैं, तो सच क्या है, आइए जानते हैं। नासा ने यह बात मानी है कि प्लैनेट एक्स नाम का एक ग्रह हमारे सौरमंडल में मौजूद है। वैज्ञानिकों के पास इस बात के ठोस सबूत हैं कि नेपच्यून के आकार का एक ग्रह हमारे सूर्य के आसपास चक्कर लगा रहा है। उनके मुताबिक ये ग्रह पृथ्वी से लगभग 10 गुना ज्यादा वजनी है और सूर्य से लगभग नेपच्यून के मुकाबले 20 गुना बड़ी कक्षा में स्थापित है। यानी प्लैनेट एक्स को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 3600 यानी 3600 धरती वर्ष लग जाते हैं। तो क्या निबिरु के अस्तित्व को सच मानने वाले लोग सही हैं? 1976 में ज़कारिया सिटचिन ने एक किताब लिखी जिसका शीर्षक था द 12th प्लैनेट। इस किताब में सिटचिन ने लिखा था कि पुरातन लेखों में 6000 साल पहले अनुनाकी नामक एक प्रजाति का जिक्र आता है। अनुनाकी धरती पर निबिरु नाम के एक ग्रह से आए थे। निबिरु ग्रह की सूर्य के आसपास की कक्षा बाकी और ग्रहों के मुकाबले बिल्कुल अलग है। वैज्ञानिकों को ये तो बहुत वर्षों से मालूम रहा है कि कोई अदृश्य गुरुत्वाकर्षण शक्ति नेपच्यून और यूरेनस के पास मौजूद है, क्योंकि ये शक्ति समय समय पर इन दोनों ग्रहों की कक्षा पर असर करती रहती है। अब वैज्ञानिक सही से नहीं जानते हैं कि ये अदृश्य शक्ति कोई ग्रह है या कोई धूमकेतु या फिर कोई अत्यंत छोटा तारा जो अपने चारों तरफ एक घने धूल के बादलों से घिरा है जिससे कोई भी रोशनी उससे पार नहीं जा सकती है, इसलिए वो अब तक बड़े बड़े टेलीस्कोपों से छुपा रहा है। नासा ने निबिरु के होने को तो नहीं छुटलाया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि ये प्लैनेट एक्स हमारी धरती और धरती वासियों के लिए कोई खतरा नहीं है। नासा ने अपनी वेबसाइट पर यह स्पष्ट कर दिया था कि हमारा ग्रह पिछले 4 अरब सालों से बिना किसी दिक्कत के अपने स्थान पर बना हुआ है। यदि निबिरु धरती के तरफ आ रहा होता तो अब तक सभी को वो आकाश में दिख जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने जो निबिरु में विश्वास रखते हैं, उनके मुताबिक आने वाले 21 अगस्त को होने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण प्लैनेट एक्स से होने वाली तबाही का आगाज है। इक्कीस अगस्त को आधी रात पर पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और इससे धरती का तापमान कम हो जाएगा।
एक जानकार डेविड मीड मानते हैं कि निबिरू सितंबर 23 को धरती के आकाश में दिखना शुरू हो जाएगा। मीड के मुताबिक ऐसा सूर्य ग्रहण 1918 के बाद से अब तक नहीं हुआ है, यानी ये 99 सालों में होने वाला ऐसा पहला ग्रहण होगा। दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने ये सब बातों को एक कोरी बकवास ही माना है। आज तक जाने कितनी बार धरती की तबाही की भविष्यवाणियां होती रही हैं, और हर बार ये सभी भविष्यवाणियां झूठी ही साबित होती रही हैं। जो वैज्ञानिक जानते हैं कि निबिरू एक सच है, वो मानते हैं कि नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज सच के बारे में जानती हैं और वो ये सच दुनिया से छुपा रही हैं। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल विचित्र दुनिया। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।